What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to IFL. If you are one of those people जो बाहर से वो फ्राइड चिकन पॉपकॉर्न बहुत ऑर्डर करते हैं या आपके बच्चे बहुत ज़्यादा ऑर्डर करते हैं और पसंद करते हैं, then this video is perfect for you, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एकदम परफेक्ट तरीके से वो चिकन पॉपकॉर्न घर पे बनता कैसे। अब वो चिकन पॉपकॉर्न में कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। एक तो जो बाहर क्रम्ब होता है उसके, वो जो क्रम्बली बिट्स होते हैं वो क्रम्ब कैसे आता है, वो ब्रेड क्रम्ब्स नहीं होते हैं और उसका करने का तरीका ना थोड़ा अलग होता है। बहुत आसान तरीका होता है लेकिन अलग होता है, तो वो तरीका आपको बताने वाला हूँ कि वो क्रम्ब्स कैसे आते हैं एकदम परफेक्ट वाले, कि आपके चिकन पॉपकॉर्न एकदम क्रिस्पी बने और एकदम वो क्रम्बी बने बाहर से। दूसरी चीज़ अच्छी लगती है कि अंदर से एकदम सक्यूलेंट होते हैं वो, जो कि एक्चुअली बाहर वाले होते नहीं है। कई बार ही तो वो बहुत टाइम तक पड़े होते हैं तो अंदर से एकदम ड्राई हो जाते हैं, तो ये वाले तो एकदम अंदर से जूसी और सक्यूलेंट बनेंगे। और साथ ही में इसके ऊपर ना एक मसाला डाला जाता है विच इज़ वेरी सिमिलर टू पेरी पेरी मसाला। तो वो मसाला कैसे बनाते हैं वो मसाला भी आपको बताने वाला हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर YFL फ्राइड चिकन वाला वीडियो, लेकिन बोनलेस वाला है क्योंकि पॉपकॉर्न बन रहा है। फिर कभी आपको आगे जाके बोन वाला भी बताऊंगा, और आज ये चिकन पॉपकॉर्न बनता कैसे है वो देख लेते हैं। तो पेरी पेरी स्पाइस मिक्स के लिए एक टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून स्पाइसी रेड चिली पाउडर, एक टीस्पून अनियन पाउडर, एक टीस्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, एक टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि अमचूर पाउडर, एक टीस्पून ओरिगैनो, एक टीस्पून सॉल्ट और एक टीस्पून शक्कर। सारी चीज़ों को ग्राइंड करके एक फाइन पाउडर में आपको पीस लेना है। ऑप्शनली एक जार में इसको मिक्स भी कर सकते हैं, खाली जो चीनी है वो पाउडर्ड शुगर आपको लेनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हो हमारा पेरी पेरी स्पाइस मिक्स रेडी हो गया। तो ये जो पेरी पेरी स्पाइस मिक्स है सिर्फ ये रेसिपी के लिए नहीं, जहाँ भी आपको पेरी पेरी मसाला यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें जो स्टोर बॉट वर्जन होता है ना उसमें थोड़ा सा MSG भी होता है, थोड़ा सा अजीनोमोटो होता है या कोई भी दूसरा टेस्ट एनहांसर होता है जिससे वो एक टंग कोटिंग वाली फीलिंग आ जाती है, सो यू फील लाइक ईटिंग मोर। लेकिन ये जो पेरी पेरी मसाला एकदम परफेक्ट बनता है, ये आप यूज़ कीजिए। और वो चिकन पॉपकॉर्न जो बाहर से हम लाते हैं ना उसके ऊपर भी ये होता ही है, तो ये आप जब भी डालेंगे तो आपको एकदम वो परफेक्ट डिलिशियस वाला फ्लेवर मिल जाएगा। अभी ये मसाला पहले इसलिए बनाया है कि थोड़ा सा ये मैरिनेड में भी हम ऐड कर देंगे कि अंदर से भी चिकन को हम फ्लेवर कर पाएँ। एक बार मसाला बन गया उसके बाद चिकन को कट कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, चिकन को कट कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो 450 ग्राम बोनलेस चिकन यहाँ पर मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है। अभी इसे आपको इस तरीके से डायगनली ऐसे मोटे मोटे स्लाइसेस में कट कर लेना है। हल्की सी जो नाइफ है आपकी थोड़ी सी डायगनल रहनी चाहिए। एक बार आपने ऐसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं उसके बाद इसे इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लेना है। एकदम परफेक्ट क्यूब्स नहीं होने चाहिए, आप रैंडमली कट कर सकते हो, बट बहुत छोटे क्यूब्स आपको कट नहीं करने ना ही बहुत बड़े। तो आप देख सकते हो चिकन को किस तरीके से मैंने कट कर लिया, इसी तरीके से सारे चिकन को आपको कट कर लेना है। एक बार आपने चिकन को कट कर लिया है तो इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब टेस्ट के हिसाब से नमक, एक टीस्पून विनेगर, एक टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक टीस्पून पेरी पेरी स्पाइस मिक्स, ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मसाले को चिकन के ऊपर लगा लीजिए। एक बार आपने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो इस चिकन को ढककर 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने छोड़ दीजिए। एक बार आपने चिकन को मैरिनेट कर लिया है तो साइड में आपको एक बड़े से बोल में ढेर सारा मैदा लेना है। लगभग मैं यहाँ पर 200-250 ग्राम मैदा ले रहा हूँ। मैदे के अंदर थोड़ा सा आपको सॉल्ट डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसी के बाजू में एक बोल में आपको आइस कोल्ड वाटर ले लेना है। तो ये सेटअप आपको तैयार कर लेना है। तो एक बार आपने ये तैयारी कर ली है ना, इधर से आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेटअप क्यों किया वो बताता हूँ। उसके पहले आज चिकन ब्रेस्ट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि चिकन ब्रेस्ट को कुक करना बहुत आसान होता है, तो फटाफट कुक हो जाता है। कमर्शियल जो चिकन फ्राइंग होती है ना उसमें प्रेशर कुकर के अंदर चिकन को फ्राई किया जाता है, तो होता क्या है कि प्रेशर की वजह से चिकन अंदर से जल्दी पकता है तो ड्राई आउट नहीं होता है। आप थाइस भी यूज़ कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, बट रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। खाली आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि चिकन अंदर से अच्छे से पक जाए। अगर थाइस यूज़ करते हैं तो कुकिंग टाइम बढ़ जाएगा, खाली वो एक मेजर फर्क पड़ेगा। अगर चिकन ब्रेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो भी आपका चिकन एकदम सॉफ्ट और सक्यूलेंट बनेगा अंदर से। आपको उसे फ्राई सही तरीके से करना है वो मैं आपको आज बता दूंगा। अब ये सेटिंग हमने क्यों करके रखी मैं बताता हूँ। चिकन एक बार मैरिनेट हो गया उसके बाद क्या करेंगे, इसे हमें डबल कोट करना है। डबल कोट ऐसा होगा कि पहले रिफाइंड फ्लावर मैदे में जाएगा, फिर पानी में जाएगा, उससे निकल के फिर मैदे के अंदर जाएगा, उससे वो क्रम्ब बनता है। तो क्रम्ब कैसे तैयार करना है वो आपको मैं अभी ये प्रोसेस करके बता देता हूँ कि चिकन को कोट कैसे करना है। तो मैरिनेट किए हुए चिकन को ऐसे 5-6 क्यूब्स का आपको ले लेना है और मैदे के अंदर ऐड कर देना है। अच्छे से पहले मैदे से इस तरीके से आपको चिकन को कोट करना है, अच्छे से मिक्स करते रहिए।
आपने अच्छे से एक बार कोट कर लिया है, उसके बाद एक झारा लेना है, एक स्ट्रेनर लेना है, उसके अंदर ये चिकन को डालना है और एक्सेस फ्लावर को निकाल लेना है। अब ये चिकन को आपको आइस कोल्ड वाटर में डिप करना है, बस डिप कीजिए। डिप करने के बाद इसे आपको निकाल लेना है, निकाल कर आपको फिर से इसको मैदे में डाल देना है। मैदे में डालकर ऊपर से फिर से सूखा मैदा डालिए और अभी अपने हाथों से अच्छे से इसको ऐसे मसलना है, अच्छे से इसको मसलते रहिए जब तक कि वो क्रम नहीं फॉर्म हो जाता है। होगा क्या, वो जो मैदा और पानी पहले स्टार्टिंग में लगा हुआ था चिकन के ऊपर, उसके बाद जब इसके ऊपर और मैदा आप रगड़ोगे अच्छे से तो क्रम पैदा हो जाएगा। आप देखोगे मैंने अच्छे से एक मिनट के लिए इसको ऐसे मसला है अच्छे से। अब चिकन को जब आप उठाओगे और हल्का सा जब इसे शेक करोगे वो फ्लावर निकल जाएगा और आप देख सकते हो चिकन के ऊपर सेम वैसे ही क्रम आ गया है जैसे वो स्टोबॉट फ्राइड चिकन में होता है। आप देख सकते हो परफेक्ट क्रम तैयार हो गया। इसे एक छन्नी में डाल दीजिए। छन्नी में डालने से क्या होगा ना, जो एक्सेस फ्लावर है वो आप इस तरीके से निकाल पाओगे। तो सेम तरीके से सारे चिकन को आपको इसी तरीके से कोट कर लेना। तो चिकन को क्रम कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, देखा एकदम परफेक्ट वो क्रम फॉर्म हुआ है। तो इसी तरीके से ये क्रम किया जाता है। अब जो बोन वाली चिकन की रेसिपी होती है ना फ्राइड, उसमें कई रेसिपीज ऐसे होते हैं कि जिसमें पहले चिकन को जो है बटर मिल्क में मैरिनेट करके रखा जाता है या दूसरे भी तरीके होते हैं, ब्राइन में भी करके रखा जाता है। अब बोनलेस चिकन को वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए बेसिक थोड़ा सा विनेगर डाला है कि थोड़ा सा टेंडर हो जाए चिकन और बाकी मैरिनेट सिंपल रखा है। मैंने एक पहले अपनी रेसिपी में तंदूरी चिकन स्ट्रिप्स बनाए थे, उसमें तंदूरी वाला मसाला लगाया था, तो मसाले थोड़े चेंज कर सकते हैं, बट दिस वन विल बी वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी टेस्टी। इसी तरीके से आप बना सकते हो इसको और मैरिनेट कर सकते हो, सिंपल तरीका ये है। अब एक बार आपने क्रम कर लिया, मेरे को पता है काफ़ी सारे कमेंट्स आने वाले हैं कि इसको स्टोर करके रख सकते हैं क्या बाद में फ्राई करने के लिए। ये एब्सोल्युटली कर सकते हो, खाली क्या है आपको इसे डंप नहीं कर देना है एक बॉक्स के अंदर, एक लेयर चिकन का डाला फिर बटर पेपर फिर दूसरा लेयर चिकन का, ऐसे आप स्टोर कीजिए। एक चीज़ ये होगी कि थोड़ा सा क्रम जो है ना वो हल्का सा फ्लैट हो जाएगा, वो एकदम प्रॉपर फ्रेशली क्रम चिकन जैसा नहीं लगेगा, बट स्टोर ज़रूर कर सकते हो। फ्रीज़र में रख दीजिए, दो चार दिन तक आप इसे फिर यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चिकन मैंने क्रम कर लिया, इसे फ्राई कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो आपका जो ऑयल है ना वो अच्छे से गर्म होना चाहिए, तेल जो है 170 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। एक बार तेल गर्म हो जाए तब इसके अंदर आपको चिकन डालना है। चिकन जब ऐड करोगे तेल में तो तेल को ओवर क्राउड नहीं करना, यानी कि सारा चिकन एक साथ नहीं डाल देना, नहीं तो टेम्परेचर जो है तेल का वो नीचे हो जाता है। तो बस एक एक बैच में आपको चिकन को फ्राई करना है, मीडियम हाई फ्लेम पर आपकी फ्लेम रहनी चाहिए। बाहर से फटाफट आपका जो चिकन है वो क्रम जो है वो फ्राई होना शुरू हो जाए और अंदर से भी चिकन जो है फटाफट पक जाए। मैंने आपको बताया जैसे चिकन ब्रेस्ट बहुत फटाफट कुक हो जाता है, तो जितनी जल्दी इसकी कुकिंग होगी उतना सॉफ्ट और जूसी रहेगा अंदर से आपका चिकन। तो एक बार ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए और एकदम क्रिस्प हो जाए तब तक इसे फ्राई कर लीजिए। एक बार ये फ्राई हो जाए तो झारे से निकाल लीजिए। आप देख सकते हो चिकन हमारा परफेक्टली कुक हो गया है। अच्छे से आपको ऑयल को निकलने देना है, एक बार ऑयल निकल जाए तब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। बोल में ट्रांसफ़र करते ही इसके ऊपर थोड़ा सा पेरी पेरी स्पाइस मिक्स आपको ऐड करना है और इसे टॉस कर लेना है, कोट कर लेना है स्पाइस मिक्स से। आप देख सकते हो कितने परफेक्ट वो क्रम्स आए, एकदम क्रिस्पी ये क्रम्स लगते हैं। हमारे चिकन पॉपकॉर्न रेडी हो गए हैं, लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। तो आपने देखा परफेक्ट चिकन पॉपकॉर्न एट होम, और कितना आसान है इसे बनाना। बस चिकन कट किया, थोड़ी सी चीज़ें डाली, क्रम करके फ्राई कर दिया। इट्स अ वेरी क्विक प्रोसेस और बहुत ही डिलिशियस फ्रेश चिकन पॉपकॉर्न आप घर पे बना सकते हो। तो इसी तरीके से चिकन पॉपकॉर्न बनाइए अपने घर पे एंड एंजॉय कीजिए, और कमेंट्स में मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू आईएफएल इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।